घोटाले का दाग लगा ही था कि दो और घोटालों की फाइलें खुल गईं। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले के बाद दो और घोटालों की फाइल खुल गई है, पीडीएस और डीएमएफ घोटाला। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है, एक एक मामले खुल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर ईओडब्ल्यू एसीबी में चार अलग अलग केस दर्ज किए गए। 16 जनवरी को दो और 17 जनवरी को दो केस दर्ज किए गए। चारों एफआईआर में अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के नाम है। डीएमएफ घोटाले में कोरबा के पूर्व कलेक्टर आईएएस रानू साहू सहित 10 कारोबारियों के नाम एफआईआर में हैं। इसके अलावा संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, पीयूष सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा और अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, डेप्यूटी मार्केटिंग ऑफिसर पूजा प्रतिका केरकेटा के नाम भी है। राइस मिलर संगठन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश रुपटा, पारसमणि चोपड़ा, रोशन चंद्राकर को भी इन घोटालों में आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कोरबा जिले में डीएमएफ के पैसों का बड़े पैमाने पर बंदरबांट किया गया। ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जो मामले दर्ज किए हैं उसके मुताबिक इस अनियमितता में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू समेत अनेक विभागीय ऑफिसर भी संलिप्त पाए गए। शिकायत के मुताबिक कई टेंडर्स में अफसरों को सीधे सीधे 40% रकम पहुँचाई गयी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा जिले में डीएमएफ से टेंडर्स के आवंटन में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। गलत ढंग से टेंडर की दरें तय कर ठेकेदारों को सीधे फायदा पहुँचाया गया, जिसके कारण प्रदेश शासन को बड़ी आर्थिक हानि हुई। इतना ही नहीं बल्कि एक निजी कंपनी को भी इन निविदाओं के लिए 15 से 20% अलग अलग दरों से कमीशन दिया गया। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में डीएमएफ में भारी वित्तीय अनियमितता बरत कर सरकार और शासन को नुकसान पहुँचाया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव